शुभ संध्या के साथ सभी माँ के भक्तों को, माँ के प्रेमियों को प्रेम भरी जय माता दी। मैं सोमराज शर्मा, जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर से प्रस्तुत है मेरी आज की ये प्रस्तुति। किसी ने सच ही कहा था, समय किसी का इंतज़ार ही नहीं करता है। जैसे ही सूरज की किरणें नगर कटरा से छिपने लगती हैं, मेरे दिल में खलबली मचने लगती है। मेरा भी मन करता है कि मैं अपने फेसबुक दोस्तों के साथ डिजिटली मुलाकात कर लूं और उनके साथ जय माता दी कर लूं। और उसके बाद दिन भर में कैसा रहा, जहां पर मौसम कैसी चल रही है यात्रा, इसके संबंधित भी जानकारियां साझा कर दूं। खैर, बहुत सारे मेरे मित्र मेरे इस काम को शब्दों के द्वारा हमेशा प्रशंसा करते हैं। आप सबकी ओर से प्यार देखने और पढ़ने को मिलता है। मैं ऐसे मित्रों से जुड़कर अपने आप को बड़ा भाग्यशाली महसूस करता हूं। साथियों, ये प्यार वाला सफ़र जूं ही चलता रहे, यही मेरी मंगल कामना है। सबसे पहले आप सभी को कहना चाहूँगा, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उसके बाद अपने सुझाव पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में शब्दों के रूप में साझा करें। दिन भर में जितना भी काम कर लूं, जितना भी थक क्यों ना जाऊं, पर मेरी हमेशा यही चाहत रहती है कि आपसे हर दिन एक डिजिटली मुलाकात करने की। फिलहाल साथियों, बात कर लेते हैं यात्रा के आंकड़े को लेकर। पिछले कई दिनों से यात्रा में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नगर कटरा में चहल पहल व हर जगह रौनक, माँ के भक्तों के जयकारों से गूंज रहा है ये पूरा शहर। वही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार बीते कल लगभग 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। मैं ये जानकारी एक बार फिर साझा करना चाहूँगा। बीते कल यात्रा का आंकड़ा जो है लगभग 25,000 तक रहा है और यात्रा लगातार निरंतर चल रही है। इसके साथ साथ बात करें मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से भी, जो ताज़ा अपडेट मिली है मौसम के संबंधित। अगले 5 दिन तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और खुली धूप भी इसी तरह रहेगी। किसी किस्म के कोई बारिश के संकेत नहीं साझा किए गए हैं, इसलिए अब जो मौसम है ठंड से राहत मिल रही है और गर्मी की ओर भाग रहा है। व्यक्तिगत यहाँ सुझाव साझा करना चाहूँगा आप सभी को, अगर आप दिन में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो फिर आप गर्म कपड़ों को मत लाइए, परंतु अगर आप रात में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो फिर हो सकता आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़े आगामी कुछ दिन तक। अब बात कर लेते हैं साथियों शिवकुड़ी यात्रा से जुड़ी प्राथमिक जानकारियाँ। हालांकि शिवकुड़ी यात्रा कक्ष काउंटर से मिली जानकारी के अनुसार बीते कल 5,806 श्रद्धालुओं ने किए भोले बाबा जी के दर्शन और शिवकुड़ी की यात्रा भी लगातार निरंतर चल रही है। अगर आप यात्रा से जुड़ी कोई जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पेज डेली यात्रा अपडेट को आज ही फॉलो करें। और एक स्थानीय नागरिक होने के नाते मेरी कोशिश रहेगी आपको सही समय के साथ सही जानकारियाँ साझा करने की। जय माता दी, जय माता।